महामारी के दौरान पीड़ितों की मदद करने के लिए कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देशानुसार दिए गए दायित्व पर सुजानपुर के विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से कोरोना महामारी के दौरान जनता की ओर बढ़ चढ़कर मदद करने के लिए जो निर्देश व दायित्व पार्टी दे रही है उनकी पूरी मुस्तैदी के साथ अनुपालना करते हुए जन कल्याण अभियान चलाया जा रहा है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में तो सर्व कल्याणकारी संस्था के स्वयंसेवियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मिलकर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया हुआ है। प्रतिदिन चार चार टीमें इस काम में डटी हुई हैं। अब लोगों की सुविधा के लिए हजारों मास्क, सैकड़ों ऑक्सीमीटर, कई लीटर सैनिटाइजर का भी वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा पहले चरण में लाखों रुपए की लागत से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था भी की गई है ताकि कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सुविधा प्रदान की जा सके। राणा ने कहा कि आज देश में कोरोना संक्रमण के शिकार लोग ऑक्सीजन की कमी होने और समय पर ऑक्सीजन सुविधा न मिलने के कारण काल का ग्रास बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से ग्रस्त लोगों को, खासकर बुजुर्गों का ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने की वजह से कई बार स्थिति गंभीर हो जाती है और जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे बुजुर्ग रोगी जिन्हें उपचार के लिए घर भेज दिया जाता है और घर में ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है तो ऐसी आपात स्थिति में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उनके लिए वरदान साबित होंगे। राजेंद्र राणा ने एक कोरोना हेल्पलाइन नंबर भी साझा किया ताकि जिला के पांचों हलकों में किसी को भी मदद की जरूरत पड़ती है और अगर डॉक्टर किसी मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट की अनुशंसा करते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर लोग संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन नंबर 8146989983 पर संपर्क किया जा सकता है। आज पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना महामारी फैली है और हिमाचल प्रदेश भी इसे छूता नहीं रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी ये जो कोरोना की महामारी है बड़ी तेजी से बढ़ रही है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और खासतौर पर हमारे पार्टी के जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं आदरणीय श्री राजीव शुक्ला जी, उनके दिशा निर्देश के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोगों की जिम्मेवारियां कोविड से निपटने के लिए लगाई गई और इस दौरान जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सारे लोगों की सेवा करने का जिम्मा सौंपा गया है और जिला हमीरपुर में भी मेरी जिम्मेवारी लगाई गई है और उसी कड़ी में जो है हम लोग जो है हमारी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुजानपुर में भी जहां सर्व कल्याणकारी संस्था के लोग लगे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग लगे हैं, जिसमें जो है लगातार सुजानपुर की हर पंचायतों को सैनिटाइज किया जा रहा है, वहीं पर जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा जा रहा है। आज हम लोग जो है एक यहां से फिर से एक जो है दूसरी खेप जो है सैनिटाइज की और हजारों मास्क जो है कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है उनको भेजा जा रहा है, वहीं पर ऑक्सीमीटर भेजे जा रहे हैं और ताकि जो लोगों को ऑक्सीजन की जो कमी की वजह से जो है लोगों की मौतें हो रही हैं उसमें कुछ हम लोग सहयोग कर सकें और कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरह जो है वो प्रदेश में लोगों की सेवा में जुटी है और उस कड़ी में हम लोग भी अपनी तरफ से जिला हमीरपुर में प्रयास कर रहे हैं।